हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो आज है वो कल की जो नींव है वो कैसी रखने वाला है। अगर आज हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे आने वाला जो कल है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो आज पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप आज अच्छा रखेंगे, आज पॉजिटिव रहेंगे, आज एनर्जेटिक रहेंगे, आज अपने गोल्स को सही दिशा में स्थापित करेंगे और गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको आज से ही शुरू कर देंगे, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही वो समय आएगा जब आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके होंगे और बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक और एनहांस्ड और एम्पावर्ड बहुत ज्यादा आप फील करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि बस आपको आपकी सोच को अच्छा रखना है। आपकी सोच में कभी किसी को दुख देना, किसी के लिए द्वेष की भावना, किसी के लिए जेलसी की भावना, किसी के लिए हेट्रेड की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। रेस्ट आप भगवान पर छोड़ दें और अपना कर्म करते रहें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ परमपिता परमात्मा और प्रकृति द्वारा दिए गए कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ों के बारे में जिन्हें हम बीज कहते हैं, जिनके रेगुलर इस्तेमाल से हम ना सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर पाते हैं। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद ना सिर्फ इसे देख करके छोड़ दें बल्कि इन बीजों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये बीज ना सिर्फ आपकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं बल्कि आपको हेल्दी रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो काया है, आपका जो शरीर है वो सुडोल दिखता है, फैट बहुत कम हो जाता है और आप पूरा दिन बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर रहते हैं। सो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बीजों की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि बीज दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके अंदर शक्ति का बहुत बड़ा संग्रह होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है उनके अंदर, क्योंकि एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में उगाया जाता है, मिट्टी में जब उसे रोपा जाता है, तो एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। तो आप सोचिए कि छोटी सी दिखने वाली चीज़ के अंदर इतनी बड़ी चीज़ अगर समाई हुई है तो डेफिनेटली उसमें ताकत कितनी ज़्यादा होगी। अब वो कौन कौन से 6 बीज हैं जो हमें अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए? तो पहला, सुबह की शुरुआत जब हम करेंगे तो हमें अपने रूटीन में चिया सीड्स को जरूर लेना चाहिए। चिया सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं। हमारे शरीर में हम बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ों को लेते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स के स्वरूप में हमारे जो शरीर है उसमें टॉक्सिनेशन बढ़ जाता है। सो इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में चिया सीड हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो सुबह सुबह की अगर शुरुआत चिया सीड्स के साथ हो जाए तो इससे बेहतरीन शुरुआत हो नहीं सकती है। सो रात को सोते समय 1 टेबलस्पून 1 ग्लास पानी के अंदर आप चिया सीड्स का भिगो दीजिए, रात भर में ये फूल जाएंगे और सुबह इसके अंदर आप चाहें, पूरी तरह से ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आधा नींबू निचोड़ करके इसको अच्छे से मिला करके पी लीजिए। चिया सीड्स को चबाना नहीं होता है, इसे सीधा का सीधा आपको निगलना होता है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकल गए हैं और आपका शरीर अब बहुत ज़्यादा हेल्दी और डिटॉक्सिनेटेड फील कर रहा है। नंबर 2, अब दूसरे जो बीज आपको अपने रूटीन में शामिल करने हैं वो 4 ऐसे बीज हैं जो आप एक साथ मिला करके खा सकते हैं और इन्हें कच्चा खाना चाहिए। आप चाहें तो इन्हें भिगो करके भी खा सकते हैं लेकिन क्योंकि दिन अब सर्दियों के आ गए हैं, ऑलरेडी ठंडक है वेदर में, तो अगर आप इन्हें बिना भिगोई भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। सो दोपहर में जो आपको सीड्स खाने चाहिए उसमें जो पहला सीड आता है वो आता है पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड के अंदर या कद्दू के बीज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैरेटिन प्रोटीन होता है और ये कैरेटिन प्रोटीन आपकी स्किन, आपके बाल और आपके नाखून को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है, क्योंकि कद्दू के बीज के अंदर जो इटसेल्फ कैरेटिन है वो इस कैरेटिन की कमी को पूरा करता है, जिसकी वजह से आपकी जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
नंबर दो मेलन सीड्स। मेलन सीड को हिंदी के अंदर मगज के बीज या फिर जो खरबूजे के बीज हैं वो भी कहा जाता है। मगज का मतलब होता है आपका दिमाग, आपके दिमाग के लिए ये जो मेलन सीड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्हें भी आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाते हो, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, या आप पढ़ते हो लेकिन आप उसे लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हो, एग्जाम के समय में सब कुछ भूल जाते हो, तो मगज के बीज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं। नंबर तीन जो चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स, मतलब कि सूरजमुखी के बीज। आजकल एक बहुत कॉमन समस्या जो देखी जाती है हम सभी के अंदर, वो है विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी। विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है, और ये जो थकान है इसकी वजह से हम बहुत थोड़ा सा काम करने पर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, पूरा दिन नींद आती रहती है, बदन पूरा टूट रहा होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत अच्छा खाना खाने के बाद भी शरीर को लगता नहीं है, और इसी तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सो सूरजमुखी का जो ये बीज है ये आपके इन दोनों ही कमियों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर कि एक टेबल स्पून, मतलब कि खाना खाने वाला एक चम्मच, आप सूरजमुखी के बीजों का भी यहाँ पर ज़रूर शामिल करें। नंबर चार जो बीज आते हैं दोस्तों जो आपको दोपहर में लेने हैं, वो है आपका फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम हिंदी में आम भाषा में अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपकी स्किन को तो मेंटेन करता ही है, साथ के साथ आपके शरीर में जो एज बढ़ने की वजह से, जो बुढ़ापा आने की वजह से जो डेप्रिसिएशन होता है, मतलब जो आपके जो कोशिकाएं हैं जो टूट रही हैं, फूट रही हैं, जिनकी रिकवरी प्रॉपर नहीं होती है, जो वापस से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते हैं, उनको रिकवर करने में आपकी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। सो मेक श्योर कि एक टेबल स्पून आपको फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज भी अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करने हैं। सो दोपहर में खाना खाने से पहले या नाश्ता खाने के बाद, जब बीच में थोड़ा सा मंचिंग का टाइम आता है, उस समय पर आप डेफिनेटली इन चारों बीजों को, मतलब कि पम्पकिन सीड्स, फिर मेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, इन चारों का एक एक चम्मच लेकर के इन बीजों को बहुत अच्छे से चबाएं, और बहुत चबा चबा करके जब तक ये पूरा का पूरा आपका लुगदी जैसा नहीं बन जाता है तब तक आपको इन्हें निगलना नहीं है, तभी आप इन बीजों से 100% जो बेनिफिट्स है वो अचीव कर पाओगे। नंबर छः और जो नंबर लास्ट जो बीज आता है जो हमें रात को सोते समय लेना होता है, वो होता है अलिव सीड्स। अलिव सीड्स को हिंदी में हलीम सीड्स भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेटिनॉइक एसिड होता है। रेटिनॉइक एसिड जो है वो हमारे बुढ़ापे को रोकने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, और अगर हम इसे रात को लेते हैं तो रात को क्योंकि हमारी बॉडी रिकवरी मोड में होती है तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से काम कर पाता है। रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध के अंदर एक चम्मच अलिव या हलीम सीड्स का डाल करके अच्छे से उबालिए, और इस दूध को आप बहुत अच्छे से पी लीजिए। इन जो बीज बीच बीच में आते हैं इन्हें आप निगल लीजिए, तब देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके शरीर के अंदर जो बुढ़ापे की वजह से जो बहुत सारे एजिंग के लक्षण आ रहे थे, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही थी, आपके बाल पक रहे थे, आपके चेहरे में झुर्रियाँ फाइन लाइन्स आ रही थी, ओपन पोर्स आ रहे थे, आपके हाथों से आपकी एज का पता चल रहा था, ये सब कुछ लक्षण जो हैं धीरे धीरे गायब हो जाने वाले हैं। सो मेक श्योर कि ये जो 6 बीज हैं, सुबह सुबह चिया सीड्स, दोपहर में या फिर ब्रेकफास्ट के बाद आपको मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, और रात को सोने से पहले अलिव या हलीम सीड्स, इन 6 बीजों को अपने रूटीन में इन पूरी सर्दियों में शामिल कीजिए, और जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो स्वस्थता है उसकी भी वृद्धि होगी, और साथ के साथ खूबसूरती सुंदरता में भी डेफिनेटली बढ़ावा बहुत ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, मतलब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।